काफी फायदा हुआ था मुझे। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये वो नब्ज देख के बता देते हैं कि आपका ये मसला चल रहा है। अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए ना कि 10,000-20,000 ही टाइम पे जो है ना टेस्ट लीक कर दिए थे भाई। वो तो बहुत ज्यादा टेस्ट लीक किए देते हैं, बहुत ज्यादा। इतना एक्सपीरियंस तो मिलना चाहिए ना कि उन्हें खुद भी अंदाजा हो, खुद भी अंदाजा मेडिसिन दे उनको लिखे क्या है नहीं। अब कुछ जो है ना बचाते साथ एक दफा गए आराम नहीं है, दूसरी दफा जी ये लिफाफा लिख दिया सारा लंबा, एक जो है ना लेटर लिख के दे दिया ये चले जाओ। तो अच्छा ये भी नहीं, अक्सर मैंने देखा है कि बेचारे जो एक वक्त का खाना नहीं खाते उनको टेस्ट लिख के दे देते हैं, वो बेचारा कहाँ से टेस्ट करवाएगा? वो भी मांगते फिरते हैं बेचारे रिश्तेदारों से, इससे उससे जलील होते रहते हैं। गरीबों का तो कोई हाल नहीं है ना, मैं कहती हूँ गरीबों का तो कोई हाल नहीं है। वो देख के ना इस कदर अफसोस होता है ना कि मैं बोलती हूँ अल्लाह ताला तो यहाँ के रहने वाले लोगों को तो बीमार मत करना। आजकल जो है ना लोगों को जो अपने रिश्तेदार होते हैं खास बड़े भी होते हैं पैसे वाले होते हैं वो भी नहीं कहते कि चलो गरीब है तो उसको कुछ कर दें, अगर वो चला जाए कुछ लेने तो उसके लिए मुसीबत, ये हमारे पास तो नहीं है। और कहते नहीं अल्लाह से आप 10 दफा मांगे 10,000 दफा मांगे 100 दफा मांगे ना आपको मिलता है, बंदे से आप एक दफा लेंगे दूसरी दफा कह देगा जी नहीं मेरे पास। तो बंदर से मांगो बंदा नाराज होता है, अल्लाह से मांगो तो अल्लाह ताला खुश होता है बिल्कुल। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको चाहिए अपने जो नॉर्मल जो जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको खुदा के लिए कुछ देखें उनको और उनकी हेल्प करें, और हेल्प ऐसे नहीं हो, ऐसे हेल्प नहीं हो कि उनकी नफ्स मजरूह हो। हेल्प करने के भी बेशुमार तरीके हैं। हाँ, आप जाएं देखें उनको, ले जाएं डॉक्टर के पास ले जाएं, या लिफाफा को उस पे दे दें भले उसमें कि चले जाइए रख लें। और अगर आप किसी मरीज की तीमारदारी करने गए हो तो लिफाफे में मैं बोलती हूँ कि जरूर थोड़े बहुत पैसे रख के जरूर लेकर जाओ ताकि कुछ भी वो ले ले। हर कोई नहीं कहता, हर कोई नहीं कहता कि हाँ मुझे भाई चाहिए, बहुत से लोग नहीं कहते हैं अपनी तकलीफ में रहते हैं। मांगना सबसे मुश्किल काम है, मांगना मुश्किल काम है और देने वाला कोई नहीं, और देने वाला सोचते हैं मैं क्या करूं कैसे दूं, वो कहते हैं कि मेरे पास बस मेरी जरूरत पूरी हो जाए बस ये काफी है। हाँ, आपका फर्ज बनता है कि आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी में आप खुद देखें इतने लाइलम ना हो कि आपको पता ही ना हो चल क्या रहा है आपके खानदान में क्या चल रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है। तो ये मतलब तो हमारे दीन में भी है ना कि आप एक दूसरे की ख्याल करो, उनके हालात से बाखबर रहो। अब तो बराबर में वो पूछता भी नहीं है, नहीं आप किस हाल में है कैसे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं है। वो आज खुदाना खास्ता किसी की घर में कोई इंतकाल कर जाए तो वो टेंट से पता चलता है कि इनकी अमैयत हो गई है, वैसे तो नहीं पता चलता। हम सब अपने अंदर मसरूफ हो गए, मसरूफ हो गए, मसरूफियत बढ़ गई है सबकी। वाह, कोई नहीं किसी से मिलने को तैयार, और अगर चलते फिरते बस सलाम दुआ हो जाए तो हो जाए, वरना बराबर वाले पड़ोसी को आपका कुछ नहीं पता होता और चार छह महीने के बाद आपकी मुलाकात हो रही होती है। मुलाकात हो रही है, अब तो शादी के जो है ना कार्ड भी देना गवारा नहीं है, वो व्हाट्सएप कर देते हैं कि जी ये है आ जाएगा। बहुत टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बड़ा फास्ट हो गया है, लेकिन पहले की जो जमाने में सादगी थी बड़ा अच्छा था, मिल बैठ के बैठते थे, बातें होती थी, वो सहेली आ जाती थी घरों में, चाय बन रही है तो नाश्ता है तो ये है वो है, शाम के टाइम भी आ गई जी बराबर वाली चाय बना लो ये कर लो वो करो, तो इतना अच्छा लगता था। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो कोई आ जाए तो ये होता है जी ये क्यों आ गई, अब कब जाएंगी। हाँ, अब तो वो जमाने खत्म हो गए, तो
सब भी ये है, तो आज से 8-10 साल बाद पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। अल्लाह जाने पता नहीं क्या होगा बस। तो सुनिए, आप अपना ख्याल रखो बहुत सारा, और खासतौर पे खाने पीने का ख्याल करो। ख्याल तो इतना रखती हूँ, और खाने पीने का ही आपको पता ही किस तरह खाना, यानी कि ना ऑयल का भी ख्याल रखना पड़ता है हर चीज का घर पे। तो ये है कि बस जो होने वाली चीज हो जाती है। हाँ। ये पूरी तबीयत पे ना ऐसी है बस। ये जो जिस्म दर्द, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज चल रही है। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, आपको पता है सर्दी गर्मी दोनों हो रही है, रात में रहती है और दिन में गर्मी हो जाती है, सुबह में ठंड हो जाती है। तो इसकी वजह से 2-3 मौसम आपस में है, तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है ना, इसलिए तबीयत भी ऐसी है बस इसी वजह से कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्द से जल्द। जब हमारा प्रोग्राम हो तो हशाश बशाश आवाज हो। सही, हंसती भी हूँ, हंसती भी, और सोनिया हंसती भी अच्छी लगती है। सही कह रही, वो भी यही कहते हैं। हाँ, सोनिया की आवाज सोनिया पे सूट ही नहीं करती है, डल डल आवाज। डल डल, सही कह रही, वो भी यही कहते हैं। तो हाय हाय कुर्बान जाओ, वो भी यही कहते हैं। वो भी यही कहते हैं। वो भी यही कहते हैं, बस आज तो सोनिया की छेड़ पक्की है, वो भी यही कहते हैं। वो भी यही कहते हैं। अम्मी भी कहती है ना कुछ, तो मैं कहती हूँ वो भी यही कहते हैं। अल्लाह ताला दोनों का प्यार सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। तो अच्छा, धोखा ना हो, धोखा ना हो, बाकी सब खैर है, बाकी सब इंशाल्लाह कोई धोखा नहीं होगा इंशाल्लाह। मां जब धोखा देता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है। वैसे तो भाई देखो, मर्दों भाई मर्दों कुछ भी हो, धोखा है ही बुरी चीज, और धोखे पे गुस्सा। हाँ, औरत हो या मर्द हो, धोखा एक दूसरे को ना दे, साथ नहीं चलना है, साफ सुथरी तरीके से अलग हो जाए, ये धोखा दे ही ना करे। और सिंसियरिटी अच्छी लगती है, हर रिलेशन में सिंसियरिटी होनी चाहिए जी। और दूसरे आप में इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि आपने कुछ गलत किया है तो आप उससे बताओ मैंने गलत किया है। वो जो कुछ लोग काम भी कर रहे होते हैं गलत और छुपा भी रहे और कह रहे होते हैं नहीं, हम छुपा भी रहे हैं, चीट करते हैं, बेइज्जती करते हैं बहनों से, भाई से, हर चीज के मामले में। कोई एक चीज नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का है मसला, बहन भाइयों का मसला है, भाई भाई का मसला है, दोस्तों का मसला है, आपस में बेटी का मसला है। तो यही है कि आजकल तो भाई बस, और चीटिंग आजकल तो हर दूसरा तीसरा बंदा एक दूसरे को चीट ही करता है। सही, तो ये है बहुत डिप्रेशन वाली बातें हो गई हैं, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, खाने पीने वाली बात करते हैं, हम खिलाते हैं सबको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, सोनिया अच्छी अच्छी रेसिपीज बताती हैं। तो आज सोनिया क्या बता रही है हमें? आज है जी, आज भी बड़े मजे मजे की रेसिपी है। सबसे पहले तो है जैसे कि ये कुंडों का महीना चल रहा है, तो लोग उसमें मीठी टिक्की बनाते हैं न्यास के लिए। एक तो ये है, एक मखंडी हलवा है, सूजी का ही हलवा होता है लेकिन इसका पकाने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए इसको ये मखंडी कहते हैं। और एक जो है ये खप्सा, मटन खप्सा। अच्छा, ये मैंने मटन खप्सा। हाँ, तो ये भी बहुत अरबिक डिश है, ये बहुत मजे का, बहुत यूनिक सा, कम मसाले में ये बन जाता है और जल्दी भी। हाँ, तो एक समझ लें कि ये जैसे अरबियों का जो है ना, ये बिरयानी टाइप की चीज है, पुलाव कह लें इसको। अच्छा जी, और है मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी मुझे बहुत पसंद है, बेइंतहा पसंद है। एक तो मिक्स सब्जी, आपने सब सारी सब्जी काटी और पका ली, कुछ पकाने का भी तरीका होता है कि आपने किस तरह से इसको पकाना है और क्या डालना है इसमें जो बहुत टेस्टी हो, रोटी के साथ, चावल के साथ जो है ना आप खा सके। तो ये चीज है। तो सबसे पहले जो है ना हम बताएंगे खप्सा। जी
जी। हफ्सा खाया कभी?